नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी कैसे पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा अंतर बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको अंतर बताने वाला हूँ जो जमीन पे आपका जो अंतरिक्ष में रॉकेट जाता है और एक जमीन पे आपने देखे होंगे जो हवाई जहाज, मतलब पृथ्वी की जमीन पे कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के वातावरण के अंदर जो इनकी सीमा होती है, पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जाते जेट हवाई जहाज जो होते हैं, इनमें इस रॉकेट में और इस जेट में फर्क क्या होता है। आपने दोस्तों देखा होगा कि वैसे तो बड़े सारे फर्क होते हैं, बहुत सारे अंतर होते हैं, मगर मैं मुख्य अंतर आपको ही बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में वो तस्वीर बसी है। जब रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से छोड़ा जाता है, आपने देखे होंगे बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियो, तो जब वो छोड़ा जाता है दोस्तों, तो आपने देखा होगा पीछे एक धुएं का गुबार छोड़ता हुआ जाता है। पहले आग लगती है बकायदा, और फिर धुएं का गुबार छोड़ता हुआ वो रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है। ये देखा होगा ना आपने, छोड़ा ऐसे जाता है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आकाश में कई बार वायुसेना के जहाज जो जाते हैं, तो उनके पीछे भी बड़ी तेजी से एक लंबी लाइन सी बनती है। मतलब कई बार तो वो जैसे उड़ रहे होते हैं और उड़ते उड़ते अचानक से अपनी गति तेज कर लेते हैं और फिर अपने पीछे ये लकीर धुएं की छोड़ते हुए जाते हैं। मैंने क्या कहा, धुएं की लकीर, गलत कहा है मैंने। यही हमारे मन में ये जो है चित्र, यही बसा होता है कि ये लकीर भी धुएं की और ये लकीर भी धुएं की, गलत। केवल ये लकीर धुएं की है, ये लकीर धुएं की नहीं होती। ये लकीर दोस्तों क्या होता है, इसमें जेट इंजन लगे होते हैं, बड़े मोटे मोटे, बहुत बड़े बड़े जेट इंजन लगे होते हैं। ये जेट इंजन आसपास की हवा लेते हैं और हवा लेके बहुत तेजी के साथ इसे छोड़ते हैं। बहुत तेजी के साथ इसे छोड़ते हैं पीछे को। ये जो आप लकीर देखते हैं वो दरअसल धुएं ही नहीं होती, ये हवा इतनी तेजी से हवा में छोड़ी जाती, वातावरण में छोड़ी जाती कि वो बाहर जाते संघनित यानी ठंडी हो जाती है, संघनित हो जाती है यानी इकट्ठी हो जाती है और संघनित होकर ठंडी हो जाती है। और दरअसल वो जो आप लकीर देखते हैं जेट हवाई जहाज के पीछे जो पृथ्वी के वातावरण में होता है, वो दरअसल यूं समझिए एक छोटा बादल होता है। और इसीलिए इसका धुआं अगर आप कभी देखें तो वातावरणीय धुएं की तरह ही गायब होता है, जबकि इसकी वो लकीर आप देखें वो काफी देर तक बनी रहती है, क्योंकि वो बादल है, वो बादल है और वो ठंडा हो चुका है। जब वो गर्मियों से पर्याप्त प्राप्त होती है तो वो धीरे धीरे दोबारा अपना पानी की वाष्प में बदलता है, लेकिन काफी देर तक स्थिर रहती है, इसीलिए ये लाइन और इसका धुआं इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि वो वास्तव में धुआं ही होता। तो आप समझ गए, जेट हवाई जहाज में लकीर होती है वाष्प की, जल वाष्प की लकीर, और इसमें होती है धुएं की लकीर। छोटी सी बात लेकिन आपको पता होगी, जैसे आप कहते हैं ना, आपको लगता है कि जेट धुआं छोड़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमने आपको आज बताना था। हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए। नमस्कार।